अब सियासत में उस चरण वंदना की जिस पर पीएम मोदी ने करारी चोट की है। आज बीजेपी के एक सांसद ने पीएम मोदी का पैर छूने की कोशिश की, लेकिन पीएम ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि उस सांसद को ऐसा आगे ना करने की सलाह भी दी। सवाल ये कि क्यों हमारे नेता अच्छे काम से आगे बढ़ने की बजाय पैर छूकर आगे बढ़ने में भरोसा रखते हैं? क्या चरण वंदना जरूरी है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक से ठीक पहले की तस्वीर है ये। पीएम मोदी जैसे ही मीटिंग हॉल के बाहर पहुंचे, यूपी के इटावा के सांसद अशोक दोहरे ने झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन पीएम ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कुछ कहा और पीठ पर जोर से थपकी दी, जिसकी आवाज दूर तक गूंजी। इसके बाद पीएम मोदी सांसद अशोक दोहरे से कुछ कहते हुए आगे चले गए। शायद उन्होंने आगे फिर कभी पैर छूने से मना किया हो। दरअसल भारतीय संस्कृति में बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है। लेकिन सियासत में पैर छूने को चरण वंदना या चरण चुंबक के नाम से जाना जाता है। इसे चाटुकारिता की संस्कृति मानी जाती है। दरअसल सियासत में नेता उस नेता के पैर छूता है जिससे उसकी इच्छा पूर्ति होती है, चाहे पार्टी में बड़े पद की इच्छा हो या सत्ता में किसी पद की इच्छा हो। पीएम मोदी इस चाटुकारिता की राजनीति के विरोधी है, इसलिए आज उन्होंने अपने सांसद को ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन सियासत में ऐसा भी देखने को मिला है कि चरण पादुका लेकर नेता बड़े पद पा जाते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें कांग्रेस नेता वी नारायण सामी ने अपने नेता राहुल गांधी की चप्पल को इसलिए हाथ में उठा लिया कि वो पानी में भीग न जाए। मीडिया में इस तस्वीर के आने के बाद उनकी बहुत आलोचना हुई थी। बाद में वी नारायण सामी पुडुचेरी के सीएम बने तो लोगों ने कहा कि उन्हें चप्पल उठाने का इनाम मिल गया। इन तस्वीरों के बाद सवाल ये है कि जो नेता खुद चाटुकारिता करके अपना भविष्य बनाते हैं, वो देश के भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।